नमस्कार फ्रेंड्स। आज मार्केट तो धोनी की तरह खेल गया हार्दिक पांड्या के खिलाफ। हाँ, आखिरी ओवर में 3 छक्के मार करके निफ्टी ने तो आज बहुत ही बड़ा लेवल 22,500 का जो लेवल था वो एकदम से पार कर दिया। राइट, सो अभी आगे क्या? आगे निफ्टी ये जो आज मूवमेंट आई है उसको कंटिन्यू रखेगी या फिर फिजल आउट हो जाएगी? तो लेट्स क्विकली एनालाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स विद मी। ओके, तो जैसे कि मैं यूज करता हूँ, मैं एकदम से बेसिक टेक्निक से आपको समझा दूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि भाव भगवान है, प्राइस इज द किंग, और भाव को कंफर्म करने के लिए जो प्राइमरी इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम डेटा को यूज करते हुए हम एनालाइज करेंगे, और साथ में आरएसआई के साथ, आरएसआई जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है, एक सिंपल वर्ड्स में निफ्टी का स्पीड बुलिश की साइड है या बेरिश की साइड है, स्पीड एकदम फास्ट है या स्लो है, तो ये पता करेंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आर यू रेडी? तो चलिए, तो निफ्टी, हम पहले ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है निफ्टी का चार्ट, और आप आज देख रहे हो कि आज का दिन शुरुआत गैप डाउन से हुई थी। 22,300 ऑलमोस्ट तोड़ने की जगह रेडी था, लेकिन 22,300 से एकदम से घुमाव आया फर्स्ट आवर में, और ड्यूरिंग द डे बीच में 2-3 घंटा टाइम पास किया निफ्टी ने समवेयर अराउंड 22,400 लेवल्स के आसपास, और ऑल ऑफ अ सडन खाना खाते खाते हम निफ्टी देख रहे कि ये तो भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, और सीधा 22,500 के पार चला गया। ओके, सो ये जो मूवमेंट हुआ है ये वॉल्यूम के साथ हुआ है कि बिना वॉल्यूम हुआ है, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर डाल देते हैं। वॉल्यूम, हियर यू गो। अभी आप देखिए ऑन एन एवरेज ये आज के दिन का जो वॉल्यूम देखिए कितना हाई है, और यहाँ पे जब प्रीवियस, जब साइडवेज मार्केट चल रहा था तब मार्केट का वॉल्यूम कितना था। सो आज इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बिग वॉल्यूम दैट हैज हैपेंड, और प्राइसेस ने एकदम से एक लेवल पार किया है। दिस इज कंफर्मेशन के मार्केट में और भी बाइंग आज हुई है, तो आगे चल करके कल या अगले वीक मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ऑलराइट, अभी मैंने मोमेंटम इंडिकेटर की बात की थी आपसे, तो मोमेंटम इंडिकेटर कौन सा बताया था मैंने आपको? आरएसआई। सो जल्दी से देख लेते हैं आरएसआई का कहाँ पे है। आरएसआई क्या बोलता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रहा आरएसआई आपके स्क्रीन के सामने नीचे की साइड। सो बेसिकली आरएसआई अगर ये यहाँ पे 60 का इंडिकेटर है, 60 के ऊपर है, इसका मतलब जो बुलिश स्पीड है इसका डायरेक्शन क्या है आरएसआई का? आरएसआई का डायरेक्शन अप है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बुलिश है। सो ये आरएसआई और वॉल्यूम दोनों ही कंफर्म कर रहा है कि निफ्टी और भी ऊपर जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है? बेसिकली निफ्टी जो है वो अपना जो प्रीवियस टॉप जो है ना वो वहां तक जाने की संभावना है, जो कि आ रहा है 22,800। लेकिन एग्जैक्टली 22,800 है कि नहीं है या और भी ऊपर जा सकता है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम और एक डेटा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑप्शंस में। ऑलराइट, ओपन इंटरेस्ट मतलब आप जानते ही हो, ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन। ओके, मैंने एक लॉट बाई किया, आपने एक लॉट सेल किया, तो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है। वैसे मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, कहाँ पे, कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हुई है ये जानते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे हम क्विकली आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, और निफ्टी 2 मई की एक्सपायरी का हम लोग स्ट्राइक और ओपन इंटरेस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं। सो अराउंड 22,500 के ऊपर, समवेयर अराउंड 28 हम लोग देखते हैं कि 47,000 का ओपन इंटरेस्ट है 22,800 की स्ट्राइक पे, लेकिन उससे भी ज्यादा है 74,000 22,900 की स्ट्राइक पे, और माय फ्रेंड्स
62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स भी ओपन है 23,000 की स्ट्राइक पे। तो ये डेटा से हमको ये पता चलता है कि हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 74,000 अप्रोक्सीमेटली है 22,900 की स्ट्राइक पे। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं जनरली वो लोग ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं, वो लोग ऑप्शंस बाइंग नहीं करते। ऑलराइट, सो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि इंस्टीट्यूशन वालों ने 22,900 का कॉल ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सेलिंग किया है, शॉर्ट किया है। क्यों किया है? उनके हिसाब से निफ्टी 22,900 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। सो माय फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि 22,800 पे आकर के निफ्टी जो है वो एक बार थोड़ा सा अटक जाएगा, थोड़ा सांस तो लेगा ना, और एक बार अगर 22,800 क्रॉस कर दिया तो और 100 पॉइंट ऊपर जाने में निफ्टी को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम से फट से आ जाएगा। ओके, सो दैट इज वन पार्ट ऑन द अपसाइड। डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है इन केस अगर मार्केट को घुमाव लाना है, तो सपोर्ट लेवल कहाँ पे है? तो अगेन ओपन इंटरेस्ट में हम लोग पुट के ओआई डेटा देखते हैं कि पुट में सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्राइक पे डेटा आया हुआ है। सो यहाँ पे है 76,000, यहाँ पे 84,000, 84,000, 22,500 की स्ट्राइक पे। यस, कल तक जो 22,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, आज उसको वॉल्यूम के साथ तोड़ा है निफ्टी ने, और वही लेवल 22,500 जो है वो बन गया अभी सपोर्ट लेवल। तो जो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है और फिर वो सपोर्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं रोल रिवर्सल। एक टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रिंसिपल है। इसका मतलब जो 22,500 कहाँ आया, 22,500, सो 22,500 ये जो गैप एरिया जो था, ये कल तक निफ्टी उसको रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था, लेकिन आज वही लेवल उसके ऊपर चला गया है निफ्टी। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि ये लेवल जो है 22,500 के आसपास, ये लेवल बन गया बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल, और ऊपर में 22,800 और 22,900 बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। और जो कि आरएसआई जो है, मोमेंटम इंडिकेटर जो है, वो बुलिश की साइड है, इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम एकदम से स्ट्रांग है अपसाइड की तरह। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि यहाँ से निफ्टी कल या फिर अगले हफ्ते मार्केट स्लो एंड स्टेडली टूवर्ड्स रेजिस्टेंस की ओर जाएगा। ठीक है माई फ्रेंड्स, सो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग क्विकली देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन अप करके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है हमें? बैंक निफ्टी के चार्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर आप आउटकम देखोगे कि मार्केट एकदम से यहाँ पे गैप डाउन करके एकदम से तोड़ दिया था, और फिर यहाँ से एकदम से वापस जाना शुरू कर दिया ऊपर। और ये जो गैप एरिया जो है, ये गैप एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा था, और आज वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया ऊपर। ये कौन सा लेवल है? अराउंड 48,400 का लेवल है। ऑलराइट, रेजिस्टेंस के साथ तोड़ दिया है, और आप यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर देख रहे हो, ये भी एकदम से बुलिश है। ऑलराइट, सो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग ने निफ्टी में एक्सपेक्टेशंस किया था, बैंक निफ्टी भी इज एक्सपेक्टेड टू गो अप फर्दर। कहाँ तक जा सकता है? तो जल्दी से रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे चार्ट के हिसाब से प्रीवियस टॉप जो है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है समवेयर अराउंड 49,000 के आसपास। ऑलराइट, लेकिन इसको हम लोग वैलिडेट करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख लेते हैं एक बार। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा में हम लोग आएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स, और फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो 30 अप्रैल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। सो करंटली बैंक निफ्टी है समवेयर बिटवीन 48,500 के आसपास। ऑलराइट, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऊपर की साइड में कहाँ पे है? हमको यहाँ पे मिल रहे 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 49,000 की स्ट्राइक पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट। मतलब
49,000 का कॉल बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। सो यही हमारा वो प्रीवियस स्टॉप बन जाता है। तो बैंक निफ्टी का 49,000 जो बन गया वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ऑलराइट, और सपोर्ट लेवल कहाँ बनेगा? तो सपोर्ट लेवल पे हम लोग देखेंगे कि पुट ऑप्शन में कौन में किस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 48,000 की स्ट्राइक पे 1,68,991 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं। ऑलराइट, सो 48,000 बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा हमारा सपोर्ट बन गया। तो 48,000 कहाँ आया? यहाँ पे आया। सो वही ये गैप एरिया के आसपास आ गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक या कल या नेक्स्ट वीक एक दो दिन तक हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, बैंक निफ्टी भी 48,000 से लेकर के 49,000 के बीच में एक बुलिश बायस बना करके रखेगी। ऑलराइट, सो आई होप मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया। ऐसे ही एनालिसिस समझने के लिए, मार्केट क्या हो रहा है, कहाँ जा सकता है, ये समझने के लिए मेरे लिए बने रहिए अगले वीडियो में। ऑलराइट, सो ग्रेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद।